नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डेढ़ शाओमी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में और रिलायंस जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफी तहलका मचाया है। उसके वजह से आम जनता मतलब हम लोग जैसे आम आदमी लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि पहले जो चीज हम लोगों को नहीं मिल रहा था अभी वही चीज मिल रहा है काफी सस्ते पैसे में। आज इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूं लास्ट 2 साल का स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के बारे में, जहां पर आपको पता चल जाएगा शाओमी और जियो ने कैसे अपना जगह इतने अच्छे तरीके से काम किया है, स्पेशली इन स्मार्टफोन इंडस्ट्री और इफ यू कैन से ए फीचर फोन industry. So that being said, let's get started. So, मेरे पास जो रिपोर्ट है वो आपका 2017 और 2018 का, स्टार्टिंग करते हैं फीचर फोन से। अगर फीचर फोन देखा जाए 2017 से लेकर 2018 तक एक ही ब्रांड है जो टॉप में रहा था, वो था आपका रिलायंस जियो। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर अदर जो ब्रांड्स है, जो इधर उधर बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, नॉन ब्रांड्स होते हैं, उनका जो परसेंटेज था विच इज नियर अबाउट 44% इन 2017, 2018 में वो था आपका 28%। मतलब 2018 में अदर ब्रांड्स का आपका जो परसेंटेज है काफी कम हुआ है। लावा ने 7% तक का मार्केट किया इन 2017 इन टर्म्स ऑफ फीचर फोन, और 2018 में भी उनका 7% था, कोई भी ग्रोथ नहीं था। नोकिया HMT ने 5% था आपका 2017 में, 2018 में वो हो गया 7%। इफ यू टॉक अबाउट आईटेल, जी हाँ, आईटेल भी एक चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, सन मिक्स एंड मैच है, यहाँ पर इन्होंने 12% तक का बिजनेस किया था इन 2017, लेकिन 2018 में काफी कम हो गया, वो था आपका 8%। नंबर टू में था आपका सैमसंग, सैमसंग ने 21% मार्केट शेयर था इन टर्म्स ऑफ फीचर फोन सेलिंग एज कंसर्न इन 2017, लेकिन 2018 में उनका जो परसेंटेज 21% से हो गया है 12%, मतलब काफी कम था। और अगर मैं देखता हूँ रिलायंस जियो, जहां पर 2017 में था उनका 11%, लेकिन 2018 में उनका हो गया है 38%। जी हाँ, तो रिलायंस जियो फोन मतलब स्पेशली रिलायंस जियो जो 4G फोन है वो फीचर फोन इंडस्ट्री को एकदम कम्प्लीटली बदल दिया है। हालांकि जियो फोन 2 इतना अच्छे से तो नहीं चला, लेकिन जियो फोन 1 का मार्केट काफी अच्छा था। चलिए ये बात करते हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री के बारे में। अगर अदर्स ब्रांड देखा जाए, यहाँ पर 34% था अदर ब्रांड्स का इन 2017, और 2018 में यहाँ पर आ गया 25%। तो अदर ब्रांड का भी तो आपका जो ग्रिप है वो काफी कम हो गया। उसके बाद जो इंडियन मैन्युफैक्चर या फिर इंडियन ब्रांड आप बोल सकते हो, विच इज माइक्रोमैक्स, जहाँ पर 2017 में उनका था 5%, 2018 में भी उनका सेम था 5%। हालांकि 2018 के लास्ट में तो माइक्रोमैक्स का फोन दिखा ही नहीं, मतलब काफी दिन तक दिखा नहीं, उसके बाद एक दो फोन उन्होंने लॉन्च किया। जहाँ तक ओप्पो का सवाल है, आप जैसे देख पा रहे हो ओप्पो वीवो बहुत ज्यादा ऐड करता है, तो आप लोग सोच रहे हैं कि ओप्पो वीवो का मार्केट शेयर कितना ज्यादा होगा या फिर यार नेशनल टीम को स्पॉन्सर करता है, इतना सारा खर्चा करता है। लेकिन एक्चुअल अगर मार्केट सिनेरियो देखा जाए, ओप्पो का है 8% इन 2017, और 2018 में भी उनका है 8%, मतलब वैसा कुछ ग्रोथ नहीं था, लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट आप लोग देखते हैं बहुत ज्यादा होता है। इन टर्म्स ऑफ वीवो उनका भी सेम है, 10% था मार्केट शेयर 2017 में, 10% था आपका 2018 में। अभी बात कर लेते हैं सैमसंग, सैमसंग का भी यहाँ पर आपको ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, सेम है, 24% था आपका ऑन 2017, लेकिन 2018 में अगर देखा जाए उनका 24% ही था, मतलब उनका बढ़ा नहीं, जो ग्रोथ था उनका एकदम सेम था। लेकिन एक जो अनडिस्प्यूटेड ब्रांड अभी निकल के आ रहा है, मतलब जो शाओमी है, शाओमी का जो मार्केट शेयर था विच इज 19% ऑन 2017, लेकिन अगर 2018 देखा जाए दे आर ऑन 28% मार्केट शेयर, विच इज ए वेरी हाई परसेंटेज, नियर अबाउट 1/4 ऑफ द मार्केट कैप्चर्ड बाय शाओमी। हालांकि 2018 के आखिर में हम लोग लाइक रियलमी की तरफ से भी काफी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन देखे, अभी देखना पड़ेगा रियलमी 2019 में इस लिस्ट में कहीं पर स्टैंड कर पाता है कि नहीं, लेकिन फॉर द टाइमिंग ये देख के लग रहा है शाओमी का जो एग्रेसिव प्राइसिंग और प्रोडक्ट देख के लग रहा है, स्पेशली उनका जो क्वालिटी जो वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एट दैट प्राइस पॉइंट, मतलब जो प्राइस पॉइंट में वो लोग फोन लॉन्च कर रहे हैं वो डेफिनेटली काफी अच्छा है जितना मुझे लगता है। सो ये था आपका लेटेस्ट स्टैटिस्टिक रिपोर्ट और मार्केट शेयर रिपोर्ट अबाउट दिस 2 categories, 1 इज स्मार्टफोन, अनदर इज फीचर। आप बताओ आप कौन से ब्रांड को चाहते हो कि वो लोग टक्कर दे, या फिर जैसे सैमसंग ने अभी आपको 2019 में तहलका मचा दिया M सीरीज लॉन्च करके, M10 लॉन्च एट 8000 रुपीज स्टार्टिंग प्राइस एंड M20 लॉन्च एट 11000 रुपीज, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए प्रिटी टक्कर देने वाला स्मार्टफोन्स इन कंपेयर टू द सिमिलर इन स्मार्टफोन्स रियलमी 2 प्रो और Asus ZenFone Max Pro M2 या फिर आपका Xiaomi Redmi Note 6 Pro, तो ये सबको अच्छे से अभी टक्कर देगा। और मैं आपको इतना बता दूं Samsung का जो मार्केट है अभी भी काफी अच्छा है, इवन आप अगर मेरा वीडियोस देख लो Samsung का वीडियोस बहुत ज्यादा व्यूज होता है, तो पीपल लाइक Samsung वीडियोस, दे डजंट केयर अबाउट देयर परफॉर्मेंस, देयर प्रोसेसर, देयर कैमरा, उनको Samsung का फोन चाहिए, तो जो लोग Samsung फैन है वो लोग Samsung ही लेंगे।
तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एग्जैक्टली एम सीरीज के लिए, एग्जैक्टली वो क्या कैसा निकल के आता है। हालांकि अभी तक तो मेरे पास नहीं आया, तो 5 तारीख को लॉन्च होगा, उसके बाद ही मेरे पास फोन आएगा, तो डेफिनेट आई विल पोस्ट अ रिव्यू ऑन दैट। तो आप बताओ आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके साथ साथ देखें फॉलो मी ऑन ट्विटर फेसबुक एंड डेफिनेटली ऑन इंस्टाग्राम व्हिच इज instagram.redhawk15। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, दिस इज योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेड हॉक, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।